मित्रां ने टावर कटी। हैलो गुड मॉर्निंग जी सारिआं नूं ते वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप तुसीं सारे सारे वधिया होवोंगे। ते होर सुनाओ जी सारे किद्दां। ते बाकी अज मैं सवेरे सवेरे पहले तां सब दा दिलों धन्नवाद करदा वो मालिक का नाम लेके पोस्टर छड्डिया सी। अपनी एक वैब सीरीज़ आ रही है तो आपां उहदा पोस्टर छड्डिया सी ते बहुत ज़्यादा शेयरिंग किया सारिआं ने। बहुत ज़्यादा स्टोरियां लाइया उहदियां व्हाट्सएप पर इंस्टा पर मैनूं बहुत ज़्यादा जणिआं ने टैग किया है। तो आप फिर अज सवेरे सवेरे पोस्टर बनवा भी लिया है ड्रग्स लाइफ। तो थोनों बहुत पसंद आऊगी। बहुत मेहनत की है बाबे यदा हले एक एपीसोड आप रेडी किया है तो बस हुण जल्दी यदा दूसरा एपीसोड भी तैयार करांगे। पहला यदा टीज़र पावांगे आपां कल। हाँ कल अपना ब्लॉग नहीं आऊगा, कल अपना टीज़र आऊगा 8 बजे प्रोपर जिवें ब्लॉग आंदा है 8 बजे अपना टीज़र आऊगा। तो सारे जणे ने टीज़र नूं प्यार देना है। बस थोड़ी मेहनत नूं साडी नूं फल लग जाए, मतलब कि मेहनत कीती साडी व्यर्थ ना जाए। भी एक मैसेज टाइप से बनाई है भी लोगों नूं एक मैसेज दिता है नशे प्रति। तो तुसीं सारिआं ने बस सपोर्ट करनी है ते स्टोरियां सारिआं ने लाणियां टीज़र दियां। यूट्यूब मेरे वाले चैनल ते आना, सारे जणे सबसक्राइब करके रखियो। जिन्हें नहीं किया थोनों नोटिफिकेशन आऊगी जदों भी टीज़र पातिया सी। तो सारे जणे ने 8 बजे आऊगा कल नूं 8 बजे तो सारे जणे ने दब के स्टोरियां पा दिओ व्हाट्सएपां ते इंस्टा ते ग्रुपां ते कनेडा अमरीका मतलब कि शेयरिंग कर दिओ बाबिओ। बाकी गुड मॉर्निंग सारिआं नूं ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। आई होप सारे ठीक होंगे ते वेलकम टू अस यूट्यूब चैनल। आई होप तुहानूं साडे ब्लॉग बहुत पसंद आंदे होंगे ते प्यार बरसाते रहे हमेशा। ए कॉपी ए देख लो पूरा सीख गया। मतलब तुसी बोल के दिखाओ। अच्छा तुसी बोल के दिखाओ। मैं तो वधिया बोल देना भाई रोज। जिहड़ी इंट्रो है बहुत सोहणी जांदी है ना इंट्रो। मैं इंट्रो वधिया बोलण लग गया। बाकी पोस्टर चक ते अज असीं दोनों ही गए सी। मैं तो चलो थानू इन्नी खुशी हुई भी असि सवेरे देख लो नहाए नहीं धोते नहीं अं चले गए इतने नाल ही शॉप आ चाह पीती है सवेर दी। बस खुशी होंगी है यार जो कोई है ना दिल तो चीज की जाए मेहनत की हो। एक होर वधिया चीज़ तुहाडे सारिआं लई आपां वी यानी कि मैं भी एक न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किया 2 महीने पहला किया सी। वो जस्ट वैसे किया सी, मैं कोई इदां दी अटेंशन नहीं सी मैं उत्तों कुछ पावां या किवें है ना। मैं जस्ट इन्हां दे चैनल नूं मैं कि सबसक्राइब करन लई तुहानूं पता उत्ते वी एक आपां नूं ईमेल आईडी या कुछ चाहिए है ना, तो मैं वो चैनल क्रिएट कर लिया। बट हाँ जी मैं रिसेंटली चैनल खोल के देखे उत्ते एक वीडियो पाई तो उत्ते 1.8K व्यूज़ भी आए हुए, 134 समथिंग कुछ लाइक भी आए हुए ते 75 समथिंग कुछ सबसक्राइबर भी है। तो मैं सोचा क्यों ना इस चीज़ को अगे बधाया जाए है ना। तो मैं भी उत्ते ब्लॉग्स पाया करूँगी मेकअप के प्रति या फिर कुछ कुकिंग या कुछ आप घूमन फिरन जाने कुछ ब्लॉग्स उत्ते भी पाया करांगे असी। तो सारे जने मिल के सपोर्ट करियो। चैनल का नाम है चन्नो मेहरा। तो जिन्होंने नहीं लिंक मिलता उन्होंने तो इंस्टा तो मिल जूगा। इंस्टा तो मेरी स्टोरी मैं पाई है, सारे जाके विजिट जरूर करियो। एक मिनट ये चैनल सबसक्राइब ना करो बाप्यो। ये तो अलग चैनल बना लिया इन्हें तो अपना, ये तो अड्ड होने वाली गल् हो गई हूँ इन्हें तो बाप्यो अपना अलग चैनल बना लिया ना। चलो कर लियो ये मतलब कि इन्हें तो बनाया है जिमें कुड़ियों है ना मेकअप मूकअप कुछ इन्हें कोर्स किया होया अपना मतलब कि कुछ क्रिएटिविटी जी करती रहा करूगी। तो यहाँ चैनल है किमें चन्नो मेहरा। चन्नो मेहरा तो सारे जने जाके मैं डिस्क्रिप्शन च लिंक दूंगा सबसक्राइब कर लियो यदा चैनल भी। तो बाकी पोस्टर चक थोन एक बार फिर पोस्टर दिखा दें। तो मेरी इंस्टा आई डी चन्नी साहब 0 से पोस्टर शेयर किया होया है। हाँ तो सारे जने जिन्हें नहीं शेयर किया उत्थे जाके शेयर करो। तो बाकी साड़ी टीम ने बहुत सोहना वर्क किया है। बहुत वधिया एक कंसैप्ट बनाया असी मेरी अपनी लिखी हुई है। तो बस तुसी सारे ने हुण सपोर्ट करनी है। तो चलो फिर अज का ब्लॉग करदे आ शुरू। तो बाय बाय नहीं बाय बाय करते शुरू थोड़ा वर्क करके फिर आप हाँ थोड़ा जहा वर्क करके फिर आप ब्लॉग कर दें कंटिन्यू करके। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप आए हम सिलेंडर भरा ये अपना घेंट भरा है बहुत वधिया बंदा है। मैंने कहता तुम फीलिंग बनाते हो ना। हाँ मैं फीलिंग बनाता हूँ, हमारी फिल्म भी आ रही है एक। कहता मैं तेरी वीडियो रोज़ देखता हूँ। थैंक यू सो मच। वह कितों का रहने वाला तू बिहार? क्या बात है, बड़ी खुशी होंगी है ना जो मान लो भी मैं तो पंजाबी वीडियोज़ बनना फिर भी भाई देख ला बिहार तो हो गया अपनी वीडियो देखता। थैंक यू सो मच। लव यू भाई।
बड़ी खुशी हुई वीडियो में तां पाई आ भी तुसीं सारे देख सको भी एक प्यार हुंदा है ना ते बंदा जे वधिया काम करदा है तो उन्हें प्यार ही मिलेगा जे मतलब कि सच्चाई दे रास्ते ते चलांगे तो चार भरा आपां नूं सपोर्ट करदे आ प्यार मिलता मान लो दुनिया का प्यार मिलता है जे आपां वधिया काम करदे आ इसलिए वधिया काम करिया करो। चलो हुण आपां सिलेंडर गया पर चलिए हुण आपां फिर घर नूं ते करदे आ फिर ब्लॉग अगे स्टार्ट। इन्हां नूं रहना सहना नहीं आता ये देश इन्हां दे लायक नहीं। होला रे पुल आ सुन फिर होला रे पुल के तेरे मैं गल कहन लगा हाँ तेनू आ तू भी छड़ दे गलत फहमिया ते गल नाल ला ले मैनू उंज आकड़ खोरे दो में उंज आकड़ खोरे दो में ना माड़े दिल दे आ छड़ दे गुस्से अड़िए फिर दोबारा मिलदे आ छड़ दे गुस्से अड़िए फिर दोबारा मिलदे आ। अज मौसम बड़ा घेंट है कहते मीह पै रहा है ठंडा ठंडा मौसम है मतलब कि अज बनाने चाहिए हैं पकौड़े नाल गर्मा गर्म चाह कोफ्ते अलग चीज है पकौड़े एक अलग चीज है कि नहीं भाई जे मैं तेरी घर वाली हुंदी ना मैं तैनू अलग अलग डिशा बना के खिलाया करनिया सी केड़िया केड़िया सूजी वाला कड़ा मैगी चाह दिमाग चले पास्ता ब्रेड पकौड़े ते आलू वाले पकौड़े ते पनीर वाले पकौड़े होर भी हुण दस्या नहीं जा सकदा बहुत सारिया डिशा ने मंचूरियन चलो आज मंचूरियन खिलाओ घर वाली नु तो की हां घर वाले तो है गई हां ना रहन दे लोड़े नहीं लोड़े नहीं मैंने कुछ नहीं बनाना आता ना मैं सिख गया मेरी माँ ने मैंने कुछ नहीं सिखाया जिवें कुड़ी होंदी मैं कहना सी मैं इहदे तो हैरान है चल अज फिर ऐ करदे आ चौल बनन लगे उबालू क्योंकि कोफ्ते सब्जी बहुत टेस्टी बनी मेरा उन्हें चौल खान में जी कर रहा। चल ठीक है फिर अज आपां कुछ खास करते हैं ब्लॉग च ठीक है। चल ठीक है जुड़े रहो तुसीं लो जी हुण आपां पोस्टर लाते थोड़े जे बना के घरे इक सिर में ना पोछा लाना हुण ते पक्खा छड़ना पैना ई के लाता डैडी वाले रूम च चले जाओ। यार ये मेरी इज्जत नहीं करती मेरा जी करता भी अज पोछे लाने हैं ना चलो अज मैं इहनूं कुटना दवां चल ठीक है फट्टी ले तेन पहला भी गया फट्टी लेके पोचा लाया कर फट्टी लाके देख लो सुनती नहीं है यार हाँ हूँ ठीक है मनु समझानिया पैनिया इन गल मेरिया भैन भी तो तेन रोज कमेंट कर दी कि नहीं भैनों मेरिया माता भी मेरे भैन भरा सारे तेन कमेंट इन्ने सोहने सोहने कमेंट करते सिख कुछ चलो सिख थैंक यू सो मच जिन्हें भी करते कहते बाबे अज चौल चन्नो ने बनाए आ ते नाल बनाए आ आलू कोफ्ते ए मैम कोफ्ते ए मैम कदों ते बनांदे आ रहे हो तुसी कदों दे बना रहे हो की ए कदे पहले भी बनाए आ जा फर्स्ट कोफ्ते कल मैं फर्स्ट टाइम बनाए आ मतलब की पहली बार बनाए आ सिखे कित्थों आ मो नाल दे घर वाले आंटी ने दसया मैं किते YouTube तो सिखे आ नहीं YouTube तो नहीं मैं कुछ सिखदी पल्ले नहीं पैंदा मेरे सही है सही है सही है मतलब कि बढ़िया बनाए हैं खा के तुसी दसो मैं मुंह में मिठू थोड़ी ना आऊंगी राती भी खाते हैं तुसी अच्छा मैं भूल गया फिर चन्नो ने बनाए हैं बाबे वो कोफ्ते आलू कोफ्ते क्या मैं ठीक है ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਕੋਫਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚੌਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਸ ਚੰਨੋ ਦੀਆਂ ਨਾ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਚੱਲੋ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬਸ ਕੋਲ ਹੋਵੋ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਬਾਹਰ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਜੀ ਗੋਲਾ ਗੋਲਾ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਮਰੂ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੇਹੜੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਸੀ ਪੌਂਪੂ ਜਿਹਾ ਵਜਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਲੇ ਘੈਂਟ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਲਫੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਲਫੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਪੀਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਰਬੜੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੇ ਖਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਮਕੋ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕਾ ਕੁਛ ਮਤ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਮਤ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁੜਗੱਟਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਗੁੜਗੱਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਂ ਬਾਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਕ ਬੂਮ ਬੂਮ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈਣੀ ਸ਼ਕਲਕ ਬੂਮ ਬੂਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯੋਗਾ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੋਗਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਖੇਡੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੋ ਖੋ 'ਚ ਜਾਂ ਰੇਸਿੰਗ 'ਚ ਰੇਸਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਚਰਲ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਮੀਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੋ ਜੇ ਨਿੰਬੂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ